हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 14 मई को एग्ज़ाम है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, तो इसका मुझे कमेंट भी आ चुका है कि उन्हें नोट्स चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे और उसके आंसर कहाँ से फाइंड आउट करें और जिनके पास बुक नहीं है तो वो कैसे पढ़ें। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली सब कोई कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वायरीज आती है सोल स्टूडेंट्स के बच्चों की। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ये लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के ऊपर है। इसके नोट्स है कि इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और आप कैसे उन सारे क्वेश्चंस को बुक नहीं है तो फिर आंसर कैसे निकाल सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर कोड एंड क्वेश्चन पेपर नेम ये सारा मैच कर ले, एंड 4 सेमेस्टर का 75 मार्क्स, इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं। बिकॉज मार्क्स 100 का हो या 75 या 70 का हो, ऑप्टेन आपको करने हैं। आप जिस अकॉर्डिंग आंसर्स लिख के आओगे उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम नॉर्मली मिलता है, 75 मार्क्स का पेपर होगा या 100 मार्क्स का जो हो सकता है या, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को प्लीज़ केयरफुली रीड करके जाओ, बिकॉज वही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। बस होगा ये कि उस क्वेश्चन को आई थिंक राउंड अप करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लाइक विधायिका क्या है, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया में या भारत में विधायिका क्या है और विधायिका की क्या भूमिका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन राउंड अप करके पूछे जाते हैं और इसी में आप सब फंस जाते हो कि क्वेश्चन क्या है और हमें क्या लिखना है। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस एक ही होता है और उसका आंसर सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप आंसर भी ढूंढ सकते हो और क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा उसके आंसर आप गूगल पे कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, किसी 4 क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको देने, 8 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो पावर के ऊपर है, पावर एंड फंक्शंस के ऊपर है, और ये किसके ऊपर है, विधान पालिका। ओके, तो विधान पालिका के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया है जो है उसके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि विधान पालिका क्या है, इसकी शक्तियाँ बताए और कार्य बताए, क्योंकि 20 मार्क्स का हो सकता है या फिर 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग ये पूछे जा सकते हैं कि या फिर ये भी पूछा जा सकता है विधाय पालिका क्या है। विधान पालिका को विधाय पालिका भी लिख सकते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। विधान पालिका और विधाय पालिका दोनों सेम है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग है, तो अब इसके आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसके जो आंसर है उसे वो कहाँ से मिलेगा अगर बुक नहीं है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर लेना है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैंने बता रखा है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब जो मतलब इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो तो काफ़ी इजीली सर्च कर लेते हैं, बिकॉज गूगल पे भी सारे इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हिंदी में बहुत कम होते हैं, बट हिंदी वालों के लिए काफ़ी इशू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस था, देन एंटर करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है गूगल। तो देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ने इसका जो है रिजल्ट दे दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल आइटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा विकिपीडिया इन्होंने दे दिया है कि आप विकिपीडिया को देख के पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स लिख सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम में है तो। और जो हिंदी मीडियम में वो क्या करेंगे, वो सिंपल सा कुछ मत करना, आप यहाँ पे जाना, देन इसे ओपन कर लेना विकिपीडिया को और कॉपी करके देन यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। ओके, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जितनी देर सर्च जितना सर्च करोगे उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सर्च करते रहो और मिलेगा। तो बेटर यही है कि आप कॉपी करो जो इंग्लिश में मिल रहा है उसे हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो। कि विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना और राज्य विधायिका के पास उन सभी मंदों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लिख सकते हो। ये यहाँ पे लिखने के बाद आप इनमें से कुछ वस्तुएं लिख सकते हो, जैसे पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और
कब्रगाह, तो इन सब के ऊपर छोटे छोटे से डेफिनेशन लिख सकते हो जिससे आपका जो आंसर होगा वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। और ये छोटे छोटे जैसे तीर्थ यात्रा क्या होता है तो इसका छोटा सा डेफिनेशन दे दो, स्वास्थ्य के लिए क्या है तो उसका छोटा सा डेफिनेशन दे दो, कब्रगाह क्या है, पुलिस क्या है, जेल क्या है, तो इन सब के छोटे छोटे से डेफिनेशन दे दो जिससे आपके आपका जो आंसर है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कॉपी पूरी कॉपी भर रहे हैं, सीट भर रहे हैं, बट क्या भर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखोगे तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपको मार्क्स भी अच्छे दे सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसे गूगल पे जाना है, लिखना है, देन इंग्लिश में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी के हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करना है एंड हिंदी मिल जाएगी, देन आपको वहाँ पे लिख लेना है। तो बुक जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं तो इसे जरूर रीड करके जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पंचायती राज, तो पंचायती राज सिस्टम में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि पंचायती राज के ऊपर है कि इसका सिस्टम क्या है, तो इसे ही ऑफकोर्स पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन पक्का 100% आएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन तो आप पक्का पढ़ के ही जाओ, और सेकेंड जो है विधायिका, तो इसे भी जाओ क्योंकि विधायिका का 75% चांसेस होता है कि आएगा ही आएगा दोबारा, और जो पंचायती राज है ये तो 100% है आएगा ही आएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, इन दोनों को अच्छे से रेडी करके जाना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं टिपिकल क्वेश्चंस है बट आता है, तो इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि आपको कैसे आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। और नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये टाइम टू टाइम आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करता है, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, और आप देख सकते हो कि इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ड्यू वाले पूछते ही पूछते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लो अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल एवेल्युएट करना है द रोल एंड फंक्शंस किसको करना है, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया को, ठीक है। तो भारत का जो संसद है उसके विभिन्न सीमितों की भूमिका बतानी है, उसका आलोचनात्मक करना है, तो ये क्वेश्चंस आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चंस को भी रीड कर लेना आप, ठीक है। मैं फिर से बोलूँ जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन सबको प्लीज़ रीड करके जाना, क्योंकि चार ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो इतना तो मेहनत कर सकते हो बिकॉज आज 9 तारीख है, तो अभी आपके पास 5 दिन है, तो आराम से आप ये 8 क्वेश्चन रीड कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संसद, ओके। भारतीय संसद के स्थायी समिति की भूमिका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, तो ये भारतीय संसद है तो ये बहुत कम चांस होता है कि दोबारा आए, बट इसे भी पढ़ लेना आप, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा बजट के ऊपर है, तो बजट का आ सकता है बिकॉज अभी बजट पास हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बजट क्या होता है, बजट और बजट के जो कैसे बनता है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे बताना होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे कानून निर्माण की प्रक्रिया में मीडिया की क्या भूमिका है, तो मीडिया के ऊपर क्वेश्चन है, तो यार मीडिया के ऊपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से, क्योंकि मीडिया आपको पता होगा कि मीडिया क्या है और मीडिया क्या इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करती है कानून के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई एक उदाहरण देते हुए बताए, तो प्रिंट का क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, तो आप बता सकते हैं प्रिंट में क्या है जो पोस्टर उस्टर्स होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है जैसे मेल्स हो गए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होगी, तो ये सारी एक मीडिया है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम करते हैं, जैसे शेयर कर देते हैं हम फेसबुक गूगल इंस्टाग्राम पे, तो ये ठीक है। देन यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राज अंडर स्कोर वीर 023, ये सर नोट डाउन कर लेना, एंड आप मुझे वहाँ पे भी कर सकते हो फॉलो। एट्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो पे ही लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये आप जरूर पढ़ के जाना। दूसरा है रेलवे बजट, तो रेलवे बजट के ऊपर मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेलवे बजट के ऊपर जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज रेलवे की कंडीशन अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो कहीं ना कहीं कर्जे में अब जाने वाली है, तो इस चीज़ को जरूर पढ़ के जाना। रेलवे बजट के ऊपर ये पूछा जा सकता है कि रेलवे बजट क्या है और इसका निर्माण कैसा है, जैसे अभी ऊपर पूछा गया था, तो इस
तरीके से तो रेलवे बजट जरूर पढ़ के जाना एक, ठीक है। देन यहाँ पे देख लेते हैं फिर क्या है, लोक लेखा समिति, तो ये भी पूछ लिया जाता है लोक लेखा समिति, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो इसे भी आप पढ़ लेना। और नियम निर्माण क्या है, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स क्या है, तो इन सब चीज़ों को, तो ये टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, यही आपके लिए नोट्स है, इन्हें अगर आपने कर लिया तो आप इजिली एग्जाम क्रैक कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं गूगल से, एंड आपको हिंदी में है वो तो हिंदी में जाके उसे डब कर सकते हो, एंड हिंदी में डब करने के बाद उसे लिख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आंसर लिखने के ट्रिक्स का, तो आंसर आप जहाँ तक हो सके शॉर्ट रखो, एंड पॉइंट बाय बुलेट वाइज लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। आप पेज मत भरो, बुलेट वाइज लिखो, एंड थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना, ठीक है। इकट्ठा मत लिख देना क्योंकि जॉइंटेड वर्ड होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा गैपिंग दे अपने वर्ड को आंसर लिखने के लिए, और जहाँ तक हो सके पॉइंट्स में आप लिखे उस आंसर को, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, एग्जामिनर भी चेक करता है, तो वो आपको इजीली मार्क्स दे देता है। अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो वो नेगलेक्ट कर देता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और प्लीज़ शेयर माई चैनल एवरी वन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।